Hey guys, welcome to another video of Sustainable Everyday. And today in this video we are going to discuss about solar plant performance ratio. कि किसी भी सोलर प्लांट के परफॉर्मेंस रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज परफॉर्मेंस रेशियो, व्हाई वी रिक्वायर परफॉर्मेंस रेशियो, इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों ये इतना ज़रूरी होता है किसी भी सोलर प्लांट के लिए कैलकुलेट करना. सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ परफॉर्मेंस रेशियो. परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है? सो परफॉर्मेंस रेशियो इज़ बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पीवी प्लांट दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द सोलर प्लांट एंड देयरफॉर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वालिटी फैक्टर. ओके, सो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो परफॉर्मेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ मेजर है हमारे सोलर प्लांट के क्वालिटी का. और ये जो वैल्यू होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, नहीं डिपेंड करती कि सोलर प्लांट का लोकेशन क्या है. इसलिए ये एक क्वालिटी फैक्टर होता है सोलर प्लांट को चेक करने के लिए. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस रेशियो? द परफॉर्मेंस रेशियो इन्फॉर्म्स यू एज टू हाउ एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल योर पीवी प्लांट इज़. With performance ratio, you can compare the energy output of your PV plant with that of the PV plant, other PV plants, or monitor the status of your plant over a prolonged period. तो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ कि performance ratio का function क्या होता है, क्यों वो इस्तेमाल होता है, तो ये आपको बताएगा कि आपका सोलर प्लांट कितना एनर्जी एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी चल रही है, कितना रिलायबल है आपका सोलर प्लांट. और इस वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्लांट की परफॉर्मेंस दूसरे प्लांट से. ओके, और ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक इसको एनुअली आप देख सकते हो अगर आप एवरेज निकाल लोगे इस वैल्यू का कि हाँ भाई ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर पूरे साल भर में हमारा परफॉर्मेंस इतना रहा है या दिन का इतना जा रहा है, जैसा भी आप इस वैल्यूज को इस्तेमाल करना चाहो. ओके, तो सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन, वी शुड नो अबाउट द सोलर रेडिएशन बिफोर कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस रेशियो. सो सोलर रेडिएशन इज़ नथिंग बट द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ. ये कुछ नहीं है बल्कि सोलर का सौर रेडिएशन है जो आपके अर्थ तक पहुंच रहा है जहां पे हम सोलर प्लांट लगाएंगे. और द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द सोलर रेडिएशन इज़ गिवन बाय किलो वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर, वेयर पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मॉड्यूल. ओके, सोलर मॉड्यूल. सो जो इसकी यूनिट होती है सोलर रेडिएशन की, जो सोलर प्लांट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी होती है किलो वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो वॉट आवर, किलो वॉट आवर में हमारा हो जाएगा सोलर का रेडिएशन, पर मीटर स्क्वायर जो एरिया हमारा होगा वो होगा हमारे सोलर मॉड्यूल का एरिया. मतलब सोलर प्लांट में अगर एक मॉड्यूल का एरिया हमें पता लग जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कितने मॉड्यूल लगे हुए हैं. ये आपको कैसे पता चलेगा? सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द मॉड्यूल एरिया ऑफ योर प्लांट? सो जस्ट इन केस इफ़ यू हैव वन मॉड्यूल 72 सेल्स, यू कैन सी दैट द लेंथ एंड द ब्रेथ आर गिवन एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पिक्चर. सो आई वुड से दैट द ब्रेथ ऑफ माई पी वी मॉड्यूल वुड बी 99 सेंटीमीटर और रफली आई कुड से 1 मीटर एंड द लेंथ वुड बी 1.96 सेंटीमीटर और 196 सेंटीमीटर और 1.96 मीटर्स. ओके, तो हमारे एक मॉड्यूल का जो हमारी चौड़ाई है वो हम देख सकते हैं 99 सेंटीमीटर है, उसको हम 1 मीटर ले लेंगे और जो इसकी लंबाई रहेगी 196 सेंटीमीटर है इसको, तो हम इसको हम 1.96 मीटर ले लेंगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सोलर प्लांट का जो परफॉर्मेंस रेशियो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये जस्ट इन केस अगर आपके सोलर मॉड्यूल साफ़ नहीं है, काफ़ी गंदे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो वुड ऑब्वियसली गो डाउन, आपका परफॉर्मेंस रेशियो नीचे चला जाएगा. सो इन केस योर सोलर मॉड्यूल्स आर नॉट क्लीन, डेफिनेटली द परफॉर्मेंस रेशियो इज़ गोइंग टू डाउन बिकॉज योर मॉड्यूल्स वुड जनरेट लेस पावर एंड द एफिशिएंसी वुड गो डाउन. ओके, सो If there is any shadow on the modules, means your PV modules are affected by shadows, then also your performance ratio would go down. Okay, अगर आपके solar modules पे परछाई पड़ रही है, किसी भी तरीके का shadow आ रहा है, तो भी आपका performance ratio plant का नीचे चला जाएगा.
यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो सोलर रेडिएशन हम मेजर कर रहे हैं उस पर कोई शेडो का ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो एक फ़िक्स्ड वैल्यू है जो आप ऑनलाइन भी मेजर कर सकते हैं या साइट पे आप डिफरेंट तरीके के रेडिएशन सेंसर लगा के मेजर कर सकते हैं. सो द वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ द रेडिएशन इज़ फिक्स्ड, दैट कैन बी डाउनलोडेड from various platform from the internet, or you can capture the radiation data by installing some kind of radiation sensor on your site as well. So another factor which measure really deflects the performance ratio of the plant is the grid outage. Just in case if the solar plant is not working but the radiation is available at the same time, then definitely as per the formula your performance ratio of the plant will go down. सोलर प्लांट का परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ज़्यादा घट जाता है अगर हमारे पास सूर्य का रेडिएशन अवेलेबल है पर हमारा सोलर प्लांट काम नहीं कर रहा क्योंकि ग्रिड अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी नीचे चला जाएगा. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट दिस परफॉर्मेंस रेशियो. सो आई हैव मेड एन एक्सेल, सो those who want this excel I can mail them, please comment below this video, I would definitely mail you. So in this excel, is excel mein hum dekh sakte hain that we have the formula for the performance ratio. So performance ratio ka jo formula hai that is equal to the energy of the solar plant, energy of the solar plant which is this in, and the unit is kilowatt hour. So the power generated by your solar power plant, okay, ये power है जो आपका solar plant generate करेगा जिसकी unit होगी kilowatt hour. Second thing which we require is the total solar panel area. आपको solar panel area चाहिए आपके पूरे plant का, okay. Third thing that we require is the solar panels yield. That means how efficient is your solar module. Like I have mentioned that the solar module which I am using is 15% efficient, okay. So this data is available when you download the specification sheet of any solar module, you will definitely get this figure. To ye jo सोलर पैनल यील्ड है ये अगर हमको मेजर करना है तो ये आप अगर सोलर पैनल का किसी भी कंपनी का स्पेसिफिकेशन शीट गूगल से डाउनलोड करते हैं तो आपको फिगर मिल जाएगा कि सोलर पैनल आपका कितने एफिशिएंट है, ओके. फिर उसके बाद हमको चाहिए रेडिएशन का डेटा. अब रेडिएशन का डेटा आप क्यूमुलेटिव डेटा यू कैन डाउनलोड फॉर ओवर एन ईयर फ्रॉम योर स्काडा सिस्टम और यू थ्रू द इंटरनेट. तो अगर आपको रेडिएशन डेटा चाहिए तो वो आप किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि हमें साल भर का रेडिएशन चाहिए या सिंगल डे रेडिएशन डेटा चाहिए, क्यूमुलेटिव डेटा चाहिए. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म, आपको गूगल करना पड़ जाएगा या तो आपके साइट पर रेडिएशन डेटा सेंसर अवेलेबल है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो PR कैलकुलेट करने में, ओके. तो एज़ पर द फॉर्मूला मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाता हूँ. आई विल शो यू द कंप्लीट कैलकुलेशन हाउ टू डू द परफॉर्मेंस रेशियो कैलकुलेशन. सो हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड द डेटा ऑफ अ 100 किलोवाट सोलर प्लांट. यहाँ जो मेरे पास जो डेटा है वो एक 100 किलोवाट सोलर प्लांट का डेटा है, ओके. सो इन द फर्स्ट कॉलम आई हैव मेंशनड द डेट एंड द टाइम, ओके. So the date is there, the time, starting time of the plant is 5:30 AM. So मेरा जो पहला कॉलम है उसमें हमारा मेरा डेट और टाइम दिया हुआ है जिसमें हमारा प्लांट आप देख सकते हो कि 20/7/2019 को सुबह 5:30 पे हमारा प्लांट मेरा स्टार्ट हुआ, ओके. सो एट दैट टाइम द मीटर रीडिंग वॉज 241-53770 and the unit is watt hour, okay. Starting में जो हमारी meter reading थी सुबह 5:30 वो थी 241-53770. उसी time जो हमारा radiation sensor का data था वो zero था क्योंकि सूरज की रोशनी उतनी थी नहीं, okay. So the radiation sensor data वो the unit is kilowatt hour per meter square and it's zero at 5:30 AM. Now this data is
subdivided into an interval of 15-15 minutes. So like this is 5:30, then 5:45, and then 6 a.m. like this it is increasing. ये जो हमारा आप डेटा देख रहे हो ये 15-15 मिनट के अंतराल पर रिकॉर्ड किया गया है ऑनलाइन सिस्टम के मदद से. अगर आप देखोगे तो 5:30 पे, फिर 5:45 पे, 6 बजे, 6:15, 6:30, 6:45, 15-15 मिनट के अंतराल पे मीटर की रीडिंग और रेडिएशन के डेटा को रिकॉर्ड किया गया है. अब आइए देखते हैं कि प्लांट बंद कब हुआ है. प्लांट बंद हो जाएगा जब रेडिएशन ज़ीरो हो जाएगा. भाई रेडिएशन ज़ीरो हो गया इसका मतलब आपका सोलर का जनरेशन बंद हो गया. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडिएशन का डेटा यहाँ पे बंद हो गया है ना. ओके 1930. ओके अब यहाँ पे सो यू कैन सी दैट माई जनरेशन हैज़ एंडेड. द सोलर रेडिएशन हैज़ बिकम एट 1930. ओके एंड फ्रॉम दैट टाइम व्हेन द सोलर रेडिएशन हैज़ बिकम ज़ीरो द मीटर रीडिंग हैज़ बिकम कॉन्स्टेंट. इट इज़ 24182 4580 एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट सिंस द सोलर रेडिएशन इज़ कॉन्स्टेंट. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मीटर की रीडिंग है वो कॉन्स्टेंट हो चुकी है. पहले वो ऊपर की रेंज में बढ़ रही थी पर अब नहीं बढ़ रही क्योंकि सोलर रेडिएशन ज़ीरो हो चुका है. ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द पीआर. ओके फॉर दैट व्हाट वी विल डू वी विल टेक आउट द मीटर रीडिंग हाउ मच द मीटर हैज़ वर्क थ्रू आउट द डे. तो सबसे पहले सोलर पैनल पीआर को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीटर रीडिंग चाहिए. तो उसके लिए हम शाम की जो लास्ट रीडिंग है ओके इसको हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे शाम की लास्ट रीडिंग द लास्ट रीडिंग ओके एंड द रीडिंग विच वॉज देयर इन द मॉर्निंग वी विल सब्ट्रैक्ट इट. सो आई हैव पुट अ फॉर्मूला हेयर. I will put the minus sign. मैं माइनस साइन यहाँ पर लगा देता हूँ. एंड द रीडिंग विच वॉज देयर इन द मॉर्निंग नाउ वंस आई विल सब्ट्रैक्ट दीज टू फिगर हमारे पास जो यूनिट आ गया वॉट आवर में दैट इज़ 286880. सो 286880 इज़ द यूनिट दैट द सोलर प्लांट हैज़ जनरेटेड. सो If I will convert this unit into kilowatt hour, it will be divided by 1000 and it will become 286.88 kilowatt hour. So this is the unit that the solar plant has generated in kilowatt hour. Now we will calculate the average of the radiation which was there throughout the day. Okay. So how will you calculate the average? We will start calculating the average from here till it becomes zero. Okay, till here. So the average which I have calculated for this data, it is coming out to be 247.178127 kilowatt hour per meter square. सो ये जो हमारा यूनिट आया है 247.187 ये एवरेज डेटा है पूरे दिन का सोलर रेडिएशन का. ओके इसका आप एवरेज फार्मूला लगा के एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे सोलर प्लांट का जो कैपेसिटी है दैट इज़ 100 किलोवाट. ओके कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट इज़ 100 किलोवाट पावर एंड द सिंगल मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन माई साइट इज़ द रेटिंग इज 250. ओके द मॉड्यूल द सिंगल मॉड्यूल जो हमारा साइट पे लगा हुआ है उसका जो रेटिंग है दैट इज 250. ओके सो 100 किलोवाट इज़ द पावर ऑफ माय कैपेसिटी ऑफ माय सोलर प्लांट. 250 वॉट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल. सो द नंबर ऑफ मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन माय साइट विल बी 400. ओके यू divide the value of the capacity of the plant divided by the single module capacity you will get the number of modules installed on site. So why I need the number of modules because I need to calculate the area of the PV module on site. So
the single module area, as I told you, that it would be length would be 1.98 meter and the breadth would be 1 meter. So 1 multiplied by 1.98, the area would be 1.98 meter square. Now this figure multiplied by 400 will be equal to 792 meter square. So 792 meter square is the total solar panel area है. तो ठीक है, ये हमारा एक और फिगर आ गया जो हमको PR calculate में मदद करेगा. Another set of data which we require is the module efficiency. As I told you, it is 15% for this 100 kilowatt site. So ये 15% की efficiency जैसे मैंने ली है, ये मुझे मालूम है कि 15% है, module के पीछे sticker में लिखा रहता है. ये आपको data मिल सकता है when you download the specification sheet, आप किसी particular company का Google से download करेंगे तो. So as per this data, the PR performance ratio of my plant for a single day is 97. Okay, on a scale of 100, it is 97. Just in case, suppose there was no grid for half of the day, okay? So, अगर मेरे plant में light चली जाती है, grid की supply नहीं रहती है, और हमारा generation 286 से 186 हो जाता है, okay? तो अगर मैं इसको, इस value को, यहाँ पे formula लगा हुआ है, I want to show you here itself. So here also the same thing is there. Just in case the generation. So this is the generation of my solar plant. This is the effective area of the solar module. This is the 15. 15 is nothing but the module efficiency. And this is the average value of the radiation of the whole day. Ye hai hamare plant ka generation ek din ka. ये है हमारे मॉड्यूल का 792, जो हमारे मॉड्यूल का इफेक्टिव एरिया है पूरे प्लांट का, वो 15% जो दिया हुआ है वो हमारे सोलर, एक सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी है. और ये एवरेज डेटा है पूरे दिन के रेडिएशन का, सौर्य रेडिएशन का. और यहाँ पे हमारे पीआर की वैल्यू आ रही है. जस्ट इन केस if there is no grid for half of the day, agar light chali jati hai, grid ki supply nahi rehti pure din ke liye, and the production of 287 becomes 186, okay, I manipulate the data. So the performance ratio from 98 has gone down to 0.64, okay. So this is how we calculate the solar plant performance ratio. If you have any doubt regarding the performance ratio, you can comment in the description below, in the comment box, and you can definitely reach me. And related the theory of the solar PV performance ratio of photovoltaic system, there is a link given below in the video description. You can go to my blog and download all this Excel sheet and go through the theory how to calculate the performance ratio. Even if you want the solar radiation data, here is a hyperlink given in this Excel, which I will mention in the description below, where you can click and get the radiation data of your particular region. So thanks for watching my video on sustainable everyday, and I will definitely come back with a new set of videos. Thank you.